आ जाओ इसके अब नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार 2024 में मिले है ना। अभी जब मैंने इंडियन बता रहा था उसके अंदर दो चीज़ आई थी, जैसे भारतीय मूल के लोग है ना, भारतीय मूल वालों को अपन बोलते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, इंडियन ओरिजन की मतलब इनके ये पर्सन जो है ना, इसका ओरिजन का मतलब इसके जो पूर्वज थे वो भारतीय थे, ठीक है ना। ये खुद जो जैसे जैसे अभी अपन देखा, अपन ने ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में देखा VS नायपॉल, देखा तो VS नायपॉल कभी भी इंडिया के नागरिक नहीं थे, उसको अपन ने बोला भारतीय मूल, मतलब इनके जो दादा परदादा थे वो भारतीय थे और वो भारत से आके यहाँ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में बसे थे, तो इनको अपन बोलते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन। एक होता है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। NRI क्या होता है, ये स्वयं भारत का नागरिक था और स्वयं जाके कहीं देश में बसा है ना। अब ये खुद जाके बस गया, अब इसके जो बच्चे होंगे वो चूंकि देश के अंदर ही पैदा हुए हैं तो इनके बच्चों को अपन बोलेंगे PIO, ठीक है। ये चीज़ है। आज जैसे अपन देखते हैं एलेन मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, वो NRI, लेकिन फिर जैसे उनके बेटे हुए, उनकी लड़की हैं, तो वो सब क्या है, वो PIO है, क्योंकि उनको भारतीय नागरिकता कभी नहीं मिली, ठीक है। तो भारतीय NRI क्या होता है, पहले इनके पास भारतीय नागरिकता थी, ठीक है, लेकिन ये जैसे जैसे अपन एक्ट अपन ने जैसे देखा तो ये छूट जाती है, तो 7 साल के अंदर अगर आप सामान्य दिवस मतलब सामान्य वर्ष मतलब 182 दिन 1 साल के अंदर बाहर रहते हो तो आपकी नागरिकता छूट जाएगी, ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगी। 7 साल तक अगर 182 दिन आप देश से बाहर रहते हो तो 1 साल में 182 दिन, तो ऐसे करके ये फिर लक्ष्मीनाथ मित्तल ने तो फिर अपन देखा दूसरे देश के अगर ले लेते हैं तो या तो आप खुद त्याग दो नहीं तो ऑटोमेटिक वो जाएगी, क्योंकि यूएनओ कानून के तहत एक समय में एक ही देश की नागरिकता आपके पास हो सकती है। तो लक्ष्मीनाथ मित्तल ने फिर भारतीय नागरिकता त्यागी, तो इसलिए NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, कि इंडियन थे लेकिन अब भारत में ये नहीं रहते हैं। और PIO कभी भारतीय नागरिकता नहीं थी उनके पास है ना, उनके पूर्वजों के पास थे लेकिन वो पूर्वज NRI के रूप में आए और फिर यहीं के हो गए, रह गए, फिर संतान बच्चे वहीं पैदा हुए तो बच्चे सारे PIO ऐसे है ना। तो NRI और PIO के अंदर डिफरेंस होता है, PIO के अंदर नाम ही देखो ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, और NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, था तो इंडियन ही लेकिन अब वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंट नहीं, समझ गए। तो अब देखते हैं अपन नोबेल पुरस्कार 2024, देखो ये जो लिस्ट है, पहले तो अपन देख रहे हैं क्या छओ फील्ड आ गए क्या सर, देख लेते हैं यार गलती हो गई हो, लिटरेचर देख लो, LP आ गया पीस, और ई देख लो ये इकोनॉमिक्स है ना। और मैं इसको जैसे वो करेक्शन और कर दूंगा इसे, ये को यहाँ चिपका दूंगा तो ये अपने जैसे आपने क्लू बताया था सर उस हिसाब से सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो LPE लिटरेचर पीस एंड इकोनॉमिक्स आ गया। फिर सर आपने बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स आ गया सर, केमिस्ट्री एम से, मैथ्स एम से होना चाहिए तो मैथ्स था लेकिन मैथ्स नहीं है, ये मेडिसिन है ना ऐसे। हालांकि देखो मैथ्स के अंदर भी एक पुरस्कार मिलता है, अपन देखेंगे दर्पण में आएगा, जिसको मैथ्स का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो ये स्वीडिश सरकार नहीं देती, उसको समतुल्य बताया जाता है। ऐसे तो रेमन मैक्सेस को भी एशियन नोबेल बोलते हैं तो नोबेल थोड़ी हो गया, एबल पुरस्कार है वो मैथ्स के लिए जो मिलता है ना, ABLE एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार, ठीक है, इसको मैथ्स का नोबेल बोलते हैं, लेकिन इसका इन नोबेल पुरस्कारों से कोई भी लेना देना नहीं। वो तो इसलिए मैंने बता दिया क्यों, चूंकि ये मैथ्स बार बार जबान पे आ रहा था इसलिए, समझ गए। अब देखो ये पहले तो ये देश आ गए, फिर देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ इकोनॉमिक्स का 68 में जुड़ा, 69 में पहली बार दिया गया, 68 में जुड़ा, 69 में पहली बार दिया गया, 68 में जुड़ा, 69 में पहली बार मिला, पहली चीज़ तो ये। दूसरा पीस में लिखा हुआ है नॉर्वे, यही बताया था मैंने जब अपन छओ पढ़ रहे थे, दो में जो इशू है वो। अब देखो जो ये प्राप्त करता है 2024 के अंदर जो प्राप्त करता है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे कोई कुछ खास बात आ जाती है, जैसे इस बार अपन लिटरेचर के अंदर देख रहे हैं हांगकांग, ये प्रथम एशियन महिला है, प्रथम एशियन महिला है जिसको कि लिटरेचर के अंदर ये पुरस्कार मिला है, समझ रहे हो ऐसे, ठीक है। तो इसलिए अब ब्लू किया हुआ, तो जब फर्स्ट कहीं चीज आ जाए तो ये अपन को ऐसे पता लगना चाहिए ये ऐसे। तो ये जैसे ये हांगकांग है ना, ये हांगकांग ये नहीं है कि हांगकांग देश की नागरिक है, देश तो आगे लिखा हुआ दक्षिण कोरिया, इसका नाम ही हांगकांग है, तो हो सकता है हांगकांग में जन्मी हो तो पापा जी ने नाम रख दिया ऐसे। जैसे लालू यादव की एक लड़की है मीसा भारती, तो वो मीसा एक्ट के अंदर बंद थे, लालू यादव जेल में थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के अंदर, तो उस समय उनको जेल में खुशखबरी मिली कि तुम्हारी लड़की हुई है, तो लालू यादव ने उनका नाम मीसा भारती रख दिया ऐसे, कानून ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट उपद्रव कर रहे थे जेल में डाल दिया सरकार ने उठा के। तो ऐसे हो सकता है ये हांगकांग में पैदा हुई है, दक्षिण कोरिया की, नॉर्थ कोरिया मत कर देना, नॉर्थ कोरिया को लेना देना ही नहीं है, कोई गिनता ही नहीं है इनको देश में, नॉर्थ कोरिया को तो दूर राष्ट्र गिनते हैं, फिलिस्तीन, लीबिया, अपने नॉर्थ कोरिया ऐसे, ठीक है। और फिर मिला किसको, एक काव्य गद्य शैली के लिए मिला है,
गद्यपद शैलियाँ होती है अपने काव्य के अंदर उसमें, ठीक है। फिर देखते हैं अपन पीस, तो पीस का जैसे प्राप्तकर्ता जो है वो क्या, नहीं होना हिडन, क्यों कि जब नहीं होना ही है हो ही नहीं तुम यहाँ पे, तो हिडन ही छुपने की क्या जरूरत है ना। इसका नाम ओरिजिनल आप जैसे देखना, अपन को तो क्ल्यू के अंदर याद रखना है, नहीं होना हिडन क्यों। और ये ऐसी संस्था है जापान जापान की है, जो कि आज परमाणु युद्धों के विरोध के अंदर प्रचार करती है कि ना तो परमाणु बॉम्ब तुम रखो ना परमाणु युद्ध अपन को करना है। और ये लोग कौन है, ये लोगों, ये लोग वो लोग हैं जिनको अपन बोलते हैं हिबा कुशा। क्या ये हायाबुसा नहीं है ये, लेकिन हायाबुसा भी एक बाइक का नाम है जो कि जापान टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, तो हायाबुसा से रिलेटेड ये नाम है। ये क्या हिबा कुशा है ना, हिबा हिजाब और कुशा कुश कुश, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो हिरोशिमा नागासाकी हमला हुआ था, अपने देखा 6 अगस्त को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को नागासाकी पे 1945 में अमेरिका ने गिराया था लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है। दो बॉम्ब के नाम थे लिटिल बॉय, इस पर हिरोशिमा पे गिरा था 6 अगस्त, फैट मैन नागासाकी पे गिरा था, ठीक है। ये इस हमले में जीवित बच गए थे ये 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। 6 और 9 याद कैसे रहता है, 15 होते हैं, 15 अगस्त को भारत आजाद ऐसे, लेकिन भारत 47 में हुआ था, 45 की बात है। 6 और 9 और 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 9, तो ऐसे ही पैटर्न देखो ढूंढना पड़ता है, ये तब याद होती है, ऐसे नहीं याद होती मेरे को, तो इसलिए ऐसी याद है 6 अगस्त और 9 अगस्त और 15 अगस्त। भाई 6 9 याद नहीं, 15 तो याद है ना, 15 के 2 टुकड़े कर दिए, 6 और 9 फैक्टर कर दिए, समझ गए। तो ये हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसमें ये लक्की लोग थे जो क्या जीवित बच गए। तो इन जीवित बच्चों को क्या बोलते हैं, हायाबुसा, हायाबुसा नहीं क्या है, हिबा कुशा, हिबा कुशा एच के, बोलो एच के, फिर बोलते हैं थप्पड़ मारू खेच के, तो एच के लिए हिबा कुशा, ठीक है, ये याद रखना, समझ गए। तो ये संस्था है, ठीक है, इन लोगों ने बनाई है, उस संस्था का नाम है नहीं होना हिडन क्यों, भाई जब कोई चीज़ है ही नहीं तो तुम्हें छुपने की क्या जरूरत है, ऐसे जापान की संस्था है, ठीक है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिटरेचर और पीस वाले, जैसे हिबा कुशा पूछ लिया परमाणु में जीवित बच्चे हमले में वो कौन लोग कहते हैं, हिबा कुशा, हाय खुश, यूँ याद रख लो इसको कि हाय खुश, हाय किया खुश हूँ, समझ गए। अब इससे वाले जैसे आगे वाले जैसे है ना, तो देखो इसके अंदर ये जो कॉलम है ना, ये याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कौन है किस देश का है, ठीक है ना। लेकिन ये जो इनका ये योगदान है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद आगे तीनों जो अपन पढ़ेंगे, अभी अपन तो LP देखा, लिटरेचर और पीस देखा, इकोनॉमिक्स वाला तो अभी आएगा और पीस ही हम देख लो, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिर भी जैसे सुन लो, जैसे अपन देखते हैं फिजिक्स में हॉपफील्ड और हीटमैन को मिला है, तो हॉपफील्ड और हीटमैन है ना, मैंने ये क्या किया, नाम को थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज पर जो चढ़ जाए, जबान पर जो चढ़ जाए उस ईजी भाषा में किए हुए हैं और मिलते जुलते हैं, कोई टेंशन नहीं मत करो आप, तो हॉपफील्ड एंड हीटमैन USA और कनाडा के हैं, लेकिन दिया किसके लिए इनको, मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। और ये जो हीटमैन है ना, हीटमैन इसको बोलते हैं ग्रैंड फादर ऑफ AI, हीटमैन लिख लो इसमें, हीटमैन को ग्रैंड फादर ऑफ AI। आज AI अपन देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मतलब सारा हर जगह यही आ रही है, कृत्रिम मेधाविता, कृत्रिम मेधाविता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना ये। और मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होती है कि मशीन को कोई चीज़ सिखाया गया उसमें कोडिंग करी गई, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज तो जैसे अपन जैसे देखते हैं कि मेरे को जैसे कमांड देना था तो मैंने किया Ctrl+P मैंने दबा दिया और वो प्रिंटर चला और चालू हो गया, तो मैंने क्या किया उस कमांड के अंदर ऐसे लॉजिक सेट किए कि इशारों के अंदर वो मशीन उसको सिग्नल गया है ना, सेमी कंडक्टर्स के थ्रू सिग्नल गया और वो मशीन वो ऑपरेट होना चालू हो गई, ठीक है। तो ये है मशीन लर्निंग कि मशीन को अपन ने सिखाया कि जब मैं चाहूँ तो वो काम जैसे अपन को करना है, रिमोट से मैंने दबाया, दूर से दबाया, रिमोट से वो TV चालू हो गया, जो भी प्रोग्राम दे रहा था चलने लग गया, तो मशीन ने सीखा ना कि जब बटन दबाया जाएगा तो सर्किट चालू हो जाएगा, ये तो ये है मशीन लर्निंग लैंग्वेज, ठीक है ना। आज जैसे अपन जैसे देखते हैं कि जैसे विंडोज़ है, तो विंडोज़ तो अपन को तो सामने दिखता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अपन जैसे देखते हैं अपन ने तो बटन दबाया और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया, तो मतलब वो मशीन जो एक जिसमें अपन बोलते हैं निर्जीव नॉन लिविंग जो थिंग है वो काम करने लग जाती है, तो उसको अपन ने सिखाया है, प्रोग्रामिंग हुई है उसके अंदर, तो वो प्रोग्रामिंग जो है उसको अपन बोलते हैं मशीन लर्निंग। और यही AI का अगला रूप है, मशीन लर्निंग का जो एडवांस टेक्नोलॉजी, दैट इज AI। और इस हिटमैन को बोलते हैं ग्रैंड फादर, फादर नहीं, ग्रैंड फादर ऑफ AI, समझ गए। फिर केमिस्ट्री के अंदर मिला बेकर, जंपर और हसाबीस, ठीक है ना, USA के ही है, देखो सब में आप USA आ रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इनको मिला है प्रोटीन के लिए, ठीक है ना, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन है ना कि प्रोटीन्स कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है ना। और इनको अमीनो एसिड्स बोलते हैं, अमीनो एसिड्स, अमीनो
प्रोटीन का जो अपन जैसे देखते हैं, एक केमिस्ट्री का जो नेम है वो एमिनो एसिड्स है, और प्रोटीन को अपन बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स। कि आज जैसे अपन देखते हैं, जैसे बोलते हैं कि तुमको जैसे अगर अभी कल अपन ने पढ़ा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, फिर BMI देखा था, फिर चाइल्ड वेस्टिंग देखा था, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो बच्चे के विकास में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि उससे बॉडी बनती है। तो बॉडी बनती कैसी? ये अमीनो एसिड से बनती है, ऐसे, है ना। तो धीरे धीरे ये मसल्स को याद कराते हैं, जैसे ये अपनी मसल है तो ये मसल के ऊपर जाके ये चिपक जाते हैं अमीनो एसिड्स, और फिर मसल्स को ये बिल्ड करते हैं। तो ये प्री में क्वेश्चन आया हुआ 2-3 बार, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, सब ये ध्यान होना चाहिए अपने को। और इस बार वाला PT के अंदर भी क्वेश्चन था जो लास्ट था प्रोटीन का, वो और बता दूंगा मैं। वो मात्रा में था कि जैसे कौन कौन सा कैसे चाहिए होता है, विटामिन, प्रोटीन, कर लेंगे क्वेश्चन डिस्कस, प्रोटीन, है ना। फिर मेडिसिन में अपन देखते हैं कि एम्ब्रोज और रोगेकोन को मिला है, और किसके लिए? माइक्रो RNA के लिए। किसके लिए? माइक्रो RNA, ठीक है ना। वैसे अपन ने देखा RNA के लिए, जैसे अपन ने देखा था कि अपने हरगोविंद खुराना, जैसे जो है हरगोविंद खुराना देखा था मैंने अभी, तो उसमें RNA के लिए दिया, चिकित्सा का मतलब गोविंद मुझे स्वस्थ रखो चिकित्सा, ये हरगोविंद खुराना। और मिला कब? कब मिला हरगोविंद खुराना को बताओ? 19 बताओ, 33, चलो ऑप्शन बताओ, 33 नहीं, वो 33 में तो कोई है ही नहीं, वो तो 1913 है, 30 है, 1968 की बात करें तो 68 में तो जैसे अपने सुब्रमण्य चंद्रशेखर है भाई, 68 में तो जैसे अपन देखा सुब्रमण्य चंद्रशेखर, वो तो अलग हो जाएगा, वो तो 83 का सुब्रमण्य चंद्रशेखर, तो वर्ल्ड कप अपने सुब्रमण्य चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना कब है? 68 है ना, इसे याद रखो, जैसे एक दो बार बोलोगे तब याद, जैसे भाई 83 मैंने बताया, 83 बोलते हो वर्ल्ड कप याद आना चाहिए, वर्ल्ड कप बोलती है ब्लैक होल याद आना चाहिए, ब्लैक होल बोलती क्या? सुब्रमण्य चंद्रशेखर, चंद्र, चंद्रमा भी अपन देखते हैं उसमें दाग है, काले अपन को दिखते हैं, तो सुब्रमण्य चंद्रशेखर, तो 83 तो हो ही नहीं सकता। तो उस ऑप्शन से जैसे आए ना जो, तभी तो मैं तो ये मैं ये लिखे जा रहा था जो आप बोले जा रहे थे। तो मान लो जैसे ये ऑप्शन हो या 13-23 तो हो नहीं सकता, तो सबसे पहला के अंदर आ गया तो रविंद्रनाथ टैगोर और अपने सी वी रमन है, फिर 68 हो सकता है, फिर देख लें 83 तो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल तो वो चंद्र, चंद्रमा पे खाले दाग तो गड्ढे भी हैं, तो ब्लैक होल तो वो तो वही बचा कौन, 68 खत्म, ऐसे, ठीक है। अपन देखते हैं 7 का अंक, अपन शुभ बताते हैं, 7 फेरे, 7 वितरण, 7 समुद्र, 7 अपने अजूबे, 7 समुंदर, 7 शुभ, तो भाई ये 7 आ गया तो ये शुभ हो गई, कौन? अपने मदर टेरेसा। तो कुछ न कुछ वो कोडिंग करनी पड़ेगी, वो मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी, ये हुआ तभी अपनी जो मशीन है वो चलेगी। कुछ भी नहीं है, इसको तसल्ली से लेके बैठो और यूँ कोशिश करो कि नहीं यार मेरे को इससे दोस्ती करनी है। किसी को भी अपने को अपना बनाना होता है, ECET कुछ भी हो तो समय देना पड़ता है, उसकी बातों के अंदर अपन को घुसना पड़ता है, ऐसे बात करो इनसे बैठ के एक बार। तो माइक्रो RNA, तो RNA के अंदर अभी बोला हरगोविंद खुराना को मिल चुका था, ठीक है ना, कब? 1968 के अंदर, लेकिन ये माइक्रो RNA उसके अंदर और डीप में गए, उसके और स्ट्रक्चर्स बताए। फिर इकोनॉमिक्स में अपन जैसे देखते हैं डगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन को, है ना, डगलू, ठीक है, डगलू के नाम याद रहे डगलू, लेकिन ये कोई यहाँ तक कोई नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हीट में याद रख लो, फादर ऑफ AI है ना। तो डगलू इनको किस कारण मिला है? देश संपन्न क्यों होता है? आज अपन जैसे देखते हैं कि कुछ विकासशील देश हैं, भारत जैसे ग्लोबल साउथ जिसको बोलते हैं, साउथ साउथ कॉरपोरेशन और कॉपरेशन, और कुछ बोलते हैं जो डेवलप्ड देश हैं, अमेरिका, G7 जैसे देश हैं अपने, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जो डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है। तो ये क्यों हो जाता है ऐसा कि कुछ डेवलप्ड है कुछ डेवलपिंग है? ये इन देशों ने बताया, इनके मॉडल ने बताया इकोनॉमिक्स में, किसके? डगलू के मॉडल ने, डगलू, डगला याद रख लो, डगला तो जानते हो, मिट्टी का डगला, डगलू। देश संपन्न क्यों? अब इन्होंने क्या बताया अपने रिसर्च के अंदर कि सरकार का जो मॉडल होता है उस पर डिपेंड करता है, सरकार ही भ्रष्ट होगी तो फिर सब भ्रष्ट होना ही है। कानून व्यवस्था, है ना, जिसने गलत काम किया उसको फट सजा मिले, कोई परेशान हो रहा है गलत उसको न्याय मिले, ऐसे। तो आज जैसे अपन अमेरिका के अंदर किसी भी डेवलप्ड जैसे देश देख लो, उनके अंदर ये चीज़ बहुत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपन देखा था बेलारूस, ठीक है, अपन वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है UNDP, ठीक है, UNDP जारी करता है, उसमें अपन जैसे देखते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये टॉप करते हैं, स्विट्जरलैंड, डेवलप्ड देश। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सरकार और कानून व्यवस्था के पीछे के कारण पॉसिबल है, भ्रष्टाचार का स्तर कम होता है भ्रष्टा। ये आप अपने अपन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पढ़ेंगे, उसमें भारत की रैंकिंग देखना आप कहाँ है। तो ये भाई आज कमान तो सरकार के हाथ में ही है ना, अपन को मिला, ठीक है, कुछ भी आज जैसे अपन देख लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आधार ही देख लो, गवर्नमेंट ने दिया तो अपने पास है,
वो पॉलिसी नहीं बनाती तो क्या करते हैं, आरटीआई है जिससे है, तो सरकारी नीति नहीं बनाए तो क्या हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ये इनका मॉडल बोलता है कि देश संपन्न क्यों होते हैं, ठीक, ये चीज है। और इकोनॉमिक्स में जैसे अपन ने देखा तो अपने अमृत सेन को मिला 1998 के अंदर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फिर 2019 को मिला किसको, कौन, अभिजीत मुखर्जी। देखो नोनो आ रहा है, दोनों के अंदर नोनो आ गई, तो ये पैटर्न पकड़ना पड़ेगा एक बार, तो तसल्ली से बैठकर दो तीन बार रिवीजन करो, है ना। मुझे याद नहीं होता, उससे पहले ये सवाल कर लो कि क्या मैंने इसका कम से कम 3 से 5 बार रिवीजन किया है क्या। भले आप इस सीट के ऊपर लिख लो, जैसे यूँ लिखा करो, मैं तो यूँ लिखता हूँ R1, R2, R3, कि R1 मतलब रिवीजन 1 हो गया, फिर R2 उसके ऊपर लिख के देखो ना कि R2 हो गया, फिर जैसे R3 करने जाते हैं ना उससे पहले, यार ये तो याद हो रहा है, अच्छा ये R3 तो अभी हुआ ही नहीं, R3 याद करो तो भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। तो सीट के ऊपर ही लिखा करो R1, R2, R3, और जब उसको बिल्कुल तबीयत से कर दो तब उसको यूँ काट दिया करो, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने उसको कितनी बार देखा है, कितनी बार मैं होके यहाँ से निकला हूँ। तो अपने आप वो बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन्स काम करेंगे और वो मेमोरी बन जाएगी मसल के ऊपर, किसको याद रखना, खत्म हो गया काम, ठीक है। तो ऐसे ही अपने ये नोबल पुरस्कार हैं जो 2024 में मिले, टोटल 6 क्षेत्र अपन देख रहे हैं कि लिटरेचर रिविजन देख लेते हैं, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। लिटरेचर के अंदर मिला वो हांगकॉन्ग की एशियन महिला, पहली एशियन महिला होगी लिटरेचर पाने वाली, भाई एशियन पुरुष तो रविंद्रनाथ टैगोर हो गए ना 1913 वाले यार, अब ये महिला हैं ये, ठीक है। हांगकॉन्ग नाम है रहने वाले दक्षिण कोरिया की। पीस अब याद करो, पीस न्यूक्लियर युद्ध नहीं होना चाहिए सर, वो 1945 में खूब मारे गए, तो कौन, हिबाकुशा, वो लोग, ठीक है, ये संस्था की क्या नहीं होना, छुपने की जरूरत क्या, हिडन क्यों, हिबाकुशा याद रखो। जापान, फिजिक्स, अच्छा फिजिक्स में अपन जैसे देते सर मशीन लर्निंग, हीट मैन, ठीक है, हीट फील्ड एंड हीटन, होप फील्ड एंड हीटन, मशीन लर्निंग और AI, आप हर जगह देखते कि नहीं देखते, अपन AI चल रहा है सब जगह। फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का अपन जैसे देखते हैं, अच्छा ठीक है सर, शरीर कैसे रिएक्शन करता है, ये तो दिया, मतलब कैसे बनता है, तो प्रोटीन, अमीनो एसिड, आप जैसे देखो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक सब बायोलॉजी, अरे वो तो, लेकिन अमीनो एसिड भी तो बता रहा हूँ, एसिड बेस एंड साल्ट, तो अपन पढ़ते केमिस्ट्री के अंदर ही है एसिड बेसिस एंड साल्ट, तीसरा चैप्टर है 10th की NCERT का, एसिड बेस एंड साल्ट। फिर अपन मेडिसिन में आ जाते हैं, मेडिसिन दिया गया शरीर स्वस्थ रहे, तो शरीर बनाए किसे, अपने माइक्रो RNA से, RNA DNA। फिर इकोनॉमिक्स में तो वही कैसे कल्याण हो मॉडल से बताते हैं, तो ये मिला अपने देश संपन्न क्यों होते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या नाम, डगला नाम है ना, डगलू, ऐसे मिट्टी, मिट्टी के बने हुए देश हैं, मिट्टी का डगला, डगलू, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे के उसको यूजर फ्रेंडली कर लोगे ना तो ये आपका हो जाएगा, और यूजर फ्रेंडली नहीं करोगे, मैं तो उसका ओरिजिनल नाम लेके देख के आऊँगा, VLSS Doug, तो VLSS Doug ही हो गया अपना, वो कुछ नहीं रखा उसके अंदर, है ना। तो ऐसे इसको बिल्कुल अपना बनाओ, थोड़ा उसको यूजर फ्रेंडली करो। आज विंडोज़ क्यों एक नंबर का ऑपरेटिंग OS है, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली है, माउस लिया और फट करने लगे, यही पहले वो DOS की तरह कमांड होते कि एक फोल्डर चेंज क्रिएट करना तो CD नाम लिखेंगे तो क्रिएट डायरेक्टरी लो, हो गया, फिर वो DOS याद नहीं, कमांड ही याद नहीं, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा चलता है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऐसे इसको अपने को, इसको क्या करना है, इसको यूजर फ्रेंडली बनाना है, जैसे अपन ने किया ये सारा नोबेल के अंदर, देखो PCM, PCE, LPE, LPG नहीं, LPE, PCM किया, यूजर फ्रेंडली हुए 60 का दशक, 70, 80, 90, फिर 30 शताब्दी के अंदर दो दो, ऐसे इसको यूजर फ्रेंडली बनाओगे तो अपना आप ही आपका होता चला जाएगा, और जितनी दूरी बनाओगे उतना ही दूर होता चला जाएगा। तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अपना बनाऊं या दूर बनाऊं। ये गाना सुनाई आपने, वो कोई भी तेरा हो सकता था पर तूने, भाई वो जीने के बहाने लाखों हैं, तो ऐसे याद करने के बहाने लाखों हैं, कोई भी तथ्य तेरा हो सकता था पर तूने, देख लो आप अपने हाथ में, ठीक है। ऐसे इसको करो बढ़िया से। अब फिर नेक्स्ट ये अपने पूरा था, ये दिसंबर वाला जो दर्पण था वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और पुरस्कारों का हुआ, फिर एक नवीनतम सामान्य ज्ञान वाला सेगमेंट बचता है उसको अपन और आगे देखेंगे, और एक खेल वाला देखेंगे आगे, ठीक, ये इसके अंदर। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे नवंबर का, नवंबर के दर्पण, ओके।